हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस की प्रिपरेशन आपको किस प्रकार से करनी है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, इधर उधर की नॉइसेस जो बीच में आएगी उसको आप इग्नोर करना और वीडियो में मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनना। देखो, मैं जो चीज बोल के आपको जिन जिन चीजों का रेफरेंस दूंगा उनकी फोटोज बाद में स्क्रीन पर लगाने वाली नक्काशी करने में काफी ज्यादा समय भी जाता है और वीडियो में ऑडियो और वीडियो का बहुत सारा इशू होता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं सारी चीजें क्लियरली बोलूंगा, आपको अच्छे से समझ में सारी चीजें आने वाली है, ठीक है। तो मेनली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी जो आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी ऑलरेडी चल रही है, इसके बाद आरआरबी एनटीपीसी भी आने वाली है और उसके बाद आरआरबी की ही लेवल वन की पोस्ट भी आएगी। इस बीच आरपीएफ की भी वैकेंसी आएगी जिसमें आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल की जो है एग्जाम होगी। तो देखो, ये सारी एग्जाम्स एसएससी रेलवे की पूरे के पूरे 2024 में सारी एग्जाम जितनी होती है वो होने वाली है, ठीक है। इसमें एक चीज कॉमन है कि हर इसमें या तो जनरल साइंस आएगा या जनरल स्टडीज आएगा। तो जनरल स्टडीज जो है उसके अंदर ही जनरल साइंस इंक्लूड हो जाता है। जनरल साइंस क्या है और जनरल स्टडीज क्या है उस पर मैं आपको थोड़ी देर के लिए बता देता हूँ। जनरल स्टडीज वो है जिसमें कि सारा जनरल नॉलेज आता है जिसके अंदर साइंस भी आता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को अगर मिला दें हम और थोड़ा सा कंप्यूटर को भी तो ये बन जाता है जनरल साइंस। लेकिन इसमें अगर हिस्ट्री को मिला दिए, पॉलिटिक्स को मिला दिए और क्या कहते हैं ज्योग्राफी को मिला दिए, तो ये सारी चीजों को जब इकोनॉमिक्स को मिला दो तो ये बन जाता है जनरल स्टडीज। करंट अफेयर्स को मैं इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जितनी भी सारी एग्जाम है उसमें करंट अफेयर्स को अलग से जनरल अवेयरनेस के नाम से एग्जाम में दिया जा रहा है, कहीं 10 नंबर का 15 नंबर का इस तरीके से वेरी करेगा। लेकिन जनरल साइंस का जो सेक्शन है वो सारे एग्जाम्स में कॉमन रहने वाला है क्योंकि एग्जाम में या तो जनरल स्टडीज आपको आएगा या जनरल साइंस आएगा। एक बात मैं एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी चल रही है उसके बारे में अगर आपको बताना चाहूं तो देखो, उसमें है जनरल साइंस प्लस इंजीनियरिंग। तो जनरल साइंस क्या है वो मैं बता दूं, इंजीनियरिंग वाला जो सेक्शन है उसको ऐसा करना है आपको कि जो टॉपिक्स है ना वो आपके नोटिफिकेशन में लिखे हुए हैं उसके हिसाब से आपको उसकी तैयारी करनी है और उसमें जो आईटीआई मांगा हुआ है या जो भी रिक्वायरमेंट आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन की दी है उन लोगों को अंदाजा होगा कि ये सारे सब्जेक्ट कहाँ है और कहाँ से आपको पढ़ना है। अगर वो भी आपको नहीं मिलता है तो मुझे बताना, मैं थोड़ी रिसर्च करके उस पर भी आपको वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मेनली जनरल साइंस के बारे में आपको सारी क्लैरिटी इस वीडियो में मिल जाएगी और इसके बाद आपको जनरल साइंस के लिए कोई और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस जो बोल रहा हूं उसको अगर फॉलो करोगे, उस तरीके से फॉलो करोगे तो आपके सारे एग्जाम्स में जनरल साइंस का सेक्शन जो है उसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जनरल साइंस क्या है। जनरल साइंस जहां पर भी लिख दिया जाता है वो होता है 10th लेवल तक आपने जो साइंस पढ़ी थी वो। अब देखो, 10th तक की साइंस में आपने अलग अलग से फिजिक्स को अलग, केमिस्ट्री को अलग या बायोलॉजी को अलग अलग ऐसे नहीं पढ़े होते। जनरल हम एक टॉपिक को अलग अलग टॉपिक के रूप में पूरे साइंस को कंबाइन पढ़ते हैं, जैसे बायोलॉजी का कोई टॉपिक रहेगा, केमिस्ट्री का कुछ रहेगा, यानी कि मेन इंट्रो वगैरह रहता है और 10th में जब तक हम आते हैं तब तक एक थोड़ा सा अच्छे लेवल तक की सारी चीजें आती, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में वो नहीं रहता। लेकिन अभी जब हम तैयारी करते हैं तो पढ़ने के लिए हमको सारे टॉपिक चूंकि 10th तक हम पढ़ चुके हैं तो एग्जाम में किस प्रकार से आते हैं इसीलिए उसको हम सब्जेक्ट वाइज पढ़ते हैं। तो जनरल साइंस में आपका बायोलॉजी पूरा आ जाता है, बेसिक वाला, फिजिक्स आ जाती है और केमिस्ट्री आ जाती है। अब फिजिक्स का मतलब कितना, जो 10th तक ही आता है। यूनिट्स क्या है, देखो एग्जाम में क्या आता है इसको पता करने के बेस्ट दो ही तरीके होते हैं। पहला तरीका तो नोटिफिकेशन, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आता है उसमें टॉपिक वाइज सब्जेक्ट लिखा होता है वो देखोगे। तो उसमें अगर मान लीजिए जनरल साइंस लिखा है तो उसका हर टॉपिक लिखा रहेगा, अगर उसको आप एकदम फॉलो करने जाओगे तो काफी ज्यादा बर्डन बढ़ेगा और लगेगा कि बहुत ज्यादा सिलेबस है। लेकिन आपके पास जो दूसरा तरीका है कि एग्जाम में क्या आता है पता करने का, वो है प्रीवियस ईयर पेपर का। अगर आप प्रीवियस ईयर के 2 या 3 पेपर भी अगर कहीं से निकाल लो, कहीं से मतलब क्या, इंटरनेट पे आपको सर्च करना है। वीडियो के आखिरी में ये भी बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस सोर्स और ये सब चीजें कहां से जुटानी है, अभी जो टॉपिक है उसको बताता हूं। अगर आप प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर जिनमें जनरल साइंस आई हुई है उसको अगर देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको कहां किस एक्सटेंट तक तैयारी करनी चाहिए और पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेस्ट 2 तरीके हैं आपको एग्जाम में क्या आता है ये पता करने के, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो 10th लेवल से आगे का कुछ नहीं आने वाला है, ये भी आपको क्लैरिटी रखनी चाहिए। इसके बाद अब देखो टॉपिक्स क्या क्या आते हैं उसके बारे में बात करूं तो अगर देखो फिजिक्स के मेन टॉपिक अगर लोगे आप तो यूनिट्स, वर्क, मोशन, फोर्स और
इलेक्ट्रिक मतलब जो भी बैटरी वगैरह से रिलेटेड चीज है उसको लेके आप थोड़ा सा, जैसे ओम के नियम, शुरुआती गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये सारी चीजें जो एकदम बेसिक, सिर्फ एकदम बेसिक, यानी कि सिर्फ आपको परिभाषा पता रहे उसमें एलिमेंट क्या क्या है और उनका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी हो गई, उनका सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होने की जरूरत है। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताना चाहता हूँ, बाद में भूल जाऊंगा इसलिए बता रहा हूँ, आप चाहे बायोलॉजी का कुछ पढ़ते रहो, फिजिक्स का, या मेनली केमिस्ट्री का भी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का मेनली कोई भी चीज आप पढ़ो, तो आपको जैसे आपने कुछ भी एक फॉर्मूला पढ़ा तो उसमें जो जो एलिमेंट आ रहे हैं उनकी बेसिक डेफिनेशन आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए। वो डेफिनेशन को आप एकदम समझ के, टाइम लगा के, अच्छे से अगर प्रिपेयर करोगे तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आएगा, और जब दो तीन चीज मिला करके भी आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन को समझने में कई बार हमसे गलती हो जाती है और उसमें हम बनते हुए क्वेश्चन को गलत करते हैं। वो गलती कैसे दूर होगी, कि डेफिनेशन को अगर आप एकदम अच्छे से याद करोगे, समझ के करोगे, तो आपकी वो बेसिक गलती नहीं होगी। और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय एक बात ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन आपको एकदम देखते से लगता है कि इस टॉपिक में मैं फुल कॉन्फिडेंस हूं, ये क्वेश्चन तो देखते से बन रहा है, एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप ऑप्शन क्लिक करने के लिए रेडी रहे, तो उसमें 3 सेकंड रुक करके एक बार देखना कि एक्चुअली में पूछा क्या है और एक्चुअली में आप आंसर क्या क्लिक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर दू आपको, तो आप जब क्वेश्चन कोई सर्कल का कोई क्वेश्चन मान लीजिए आप सॉल्व कर रहे हो, आपने सॉल्व किया, जो भी डिटेल्स दी थी उसके हिसाब से आपने निकाला रेडियस इज इक्वल टू 5, ऑप्शन में देखा 5, खट से और आगे बढ़ गए। लेकिन जब आप एग्जाम देके आते हो और पता चलता है कि आपको रेडियस नहीं बल्कि डायमीटर पूछा था, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो और जब सॉल्व करने बैठते हो तब तक आप क्वेश्चन को भूल जाते हो, इतनी हड़बड़ी रहती, इतनी फास्ट रहती, तो ये सब प्रैक्टिस से आपको ये गलतियां दूर करनी, क्योंकि एग्जाम में वापस आने के बाद जब आप आंसर की मिलाते हो तो सबसे ज्यादा जो चीज हर्ट करती है वो यही करती है। देखिए, जो क्वेश्चन नहीं आता था उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन आते हुए क्वेश्चन को जब आप गलत करते हो तो एक तो आपको जो एक नंबर मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल पाता, और 0.3 नंबर जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ था वो भी कट जाता है, तो ये चीज बहुत हर्ट करती है। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आपको एकदम बहुत आसान लगता है उसको एक बार 2 सेकंड एक्स्ट्रा देके पढ़ना जरूर, ठीक है। तो ये हुआ कि आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ने, बायोलॉजी में आपको क्या टॉपिक पढ़ने, बायोलॉजी में जैसे देखो मानव शरीर जो है उसको पूरा पढ़ लो आप, स्केलेटन होता है उसको पढ़ो, प्लांट्स के जो चीजें है उसको पढ़ो, और प्लांट में भी वो जिम्नोस्पर्म और वो क्या क्या होता है वो सारी चीजें आपको पढ़ने की बहुत जरूरत होती है, तो उनको अच्छे से पढ़ना, बहुत ज्यादा आपको डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बुक सोर्स वगैरह वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जनरल साइंस जहां पूछता है वहां ये याद रखना कि 10th लेवल तक की चीजें पूछती है, बेसिक डेफिनेशन आपको सारी की सारी अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद केमिस्ट्री के बारे में मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा, क्योंकि पिछली जो एग्जाम हुई है उनमें केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल जो है उसको लेके बहुत ही स्पष्ट सवाल पूछे गए हैं, सीधा सीधा एकदम इजी इजी सवाल, जो आप अगर सिर्फ पीरियोडिक टेबल को अच्छे से तैयार करोगे तो आपके बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि एलिमेंट का नंबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं, वो सारी चीजें आपको अच्छे से याद करनी, और पीरियोडिक टेबल में आप किस तरीके से अगर दाएं से बाएं जाओ तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम में क्या होता है, और जैसे समूह 17 में क्या है, 16 में क्या है, ब्लॉक ए बी सी इनके नाम क्या है, ये सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से याद करना है। आप तो मैं कहूंगा अगर केमिस्ट्री का सिर्फ 3 दिन लगा के, अगर मान लीजिए आप सारी तैयारी कर रहे हो तो 3 दिन लगा के केमिस्ट्री में सिर्फ पीरियोडिक टेबल को अगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपके काफी नंबर सिक्योर होने वाले और कॉन्फिडेंस भी आपको मिलेगा, ठीक है। एक और चीज जो अभी दिमाग में आई थी मैं भूल गया, अभी याद आती तो बताता हूँ। हाँ, और केमिस्ट्री में जो मिश्र धातुएं होती है, अलग अलग केमिकल्स को क्या बोलते हैं, जैसे अमलराज किसको बोलते हैं, ये वो सारी चीजें, मतलब जो एक पॉइंटर्स टाइप की चीजें होती ना वो आपको आनी चाहिए अच्छे से। मिश्र धातुओं के बारे में आपको बोला, ये अच्छे से आनी चाहिए, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारी चीजों के फॉर्मूले भी आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये फॉर्मूले पूछता है। और फिजिक्स में एक चीज आपको याद रखना है कि यूनिट्स वगैरह जब आप पढ़ते हो तो यूनिट्स में आपको SI यूनिट और जो CGS यूनिट होती है वो सारी आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने कोई चीज पढ़ के रखी SI यूनिट में, और लेकिन ऑप्शन में अगर इजी सवाल देता है तो वो फिर ऑप्शन में प्ले करता है। अगर सवाल इजी है तो जो ऑप्शन आपको एग्जाम में मिलते हैं उसमें आपको यूनिट SI नहीं दी रहेगी बल्कि CGS दी रहेगी, इस तरीके से हो सकता है। तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है, यानी कोई टॉपिक अगर आप पढ़ते हो तो उसकी जो डेफिनेशन वाली चीजें हैं उनको अच्छे से पढ़ो, और उसके सेम चीज के अलग अलग जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है उसको अच्छे से पढ़ोगे। ये सारी चीजों का आइडिया आपको कब लगेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को एक दो बार देख लोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये चीजें आएगी। आगे और बात करते हैं। हाँ,
और कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जो बेसिक फिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल बताऊं कि तापमान के साथ पानी, पानी का घनत्व, डेंसिटी किस प्रकार से चेंज होती है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। बहुत बार देखा है कि आप जब इसको प्रिपेयर करते हो तो आपको बड़े आसानी से याद हो जाता है ऐसा ऐसा करना है, लेकिन जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हम उसमें पक्का गलती करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को भी 2-3 बार आप अच्छे से देखो, समझ के बिठा के क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने साथ एग्जाम में लेके, मतलब अपने दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट को रखो, ताकि जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको क्लैरिटी ये रहनी चाहिए। दूसरी चीज देखिए, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट बोल दिया आपको, और केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का जो रिलेशन है ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको वो अगर अच्छे से पता है कि कोई चीज सेल्सियस में क्या होती है, लेकिन ऑप्शन अगर फ़ारेनहाइट में रहे तो आप क्या करने वाले हो, कई बार आपको चेंज करने के लिए डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड या सेल्सियस जो होता है, इसमें आपको रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, देखो साइंस में ना क्या है, कुछ बुलेट पॉइंट टाइप की चीजें हैं जो मैं आपको अभी एकदम से बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे दिमाग में अभी भी एकदम फ्रेश है, जब मैं एग्जाम दिया था मैंने उनको भी बस नोट कर लिया और आपको बता रहा हूँ। और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, तो जब आप कोई क्वेश्चन बल, बल यानी कि फोर्स, वर्क, वर्क यानी कि कार्य के बारे में, जब ये टाइप के फिजिक्स की कोई सवाल करोगे जिसमें ग्रेविटेशन भी आता है, द्रव्यमान आता है, मास आता है यानी कि भार, मास, इस टाइप की चीजें, वेट, ये सब जब करोगे ना, तो ये न्यूमेरिकल आते हैं इनसे रिलेटेड। वो न्यूमेरिकल आपसे कब सॉल्व होंगे, जब आपको फॉर्मूला, डेफिनेशन अच्छे से पता रहेगी, फॉर्मूले में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी उनकी डेफिनेशन आपको पता रहेगी। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। मैंने कम से कम 10 बार आपको ये चीज बता दिया कि डेफिनेशन आपको एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रखनी है दिमाग में, चाहे वो केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में हो, जो भी फॉर्मूला याद हो उसमें आने वाले एलिमेंट्स आपको सारे पता होने चाहिए। इनफैक्ट कुछ अगर कॉन्स्टेंट है तो उनकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ये आपको बता दिया, और परमाणु क्रमांक और सिंबल आपको पीरियोडिक टेबल के याद रखना है, वो भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं फोर्स के बारे में, जनरल साइंस क्या था, किस प्रकार से एग्जाम में आता है, आपको तैयार करके अप्रोच किस प्रकार से करना है, इवन मैंने ये भी बताया कि सॉल्व किस प्रकार से करना है। अब फोर्स के बारे में बात करूं कि इतनी सारी चीजें आपको तैयार करनी तो कैसे करोगे, मेनली 2 सोर्स है। बुक पहले मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि देखो बुक का आपके पास होना बहुत जरूरी है। बुक में अगर आप कोई चीज एक बार देखते हो, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, और अगर उस चीज को आपने बुक में बाद में देखा तो वो लंबे समय तक याद रहती, कई बार के लिए तो दिमाग में फिक्स भी हो जाती है। तो देखो जनरल साइंस की लुसेंट की बुक, तो जनरल साइंस की लुसेंट की बुक तो मोस्ट ऑफ द लोगों के पास होगी ही, लेकिन मैंने जो बुक पढ़ा था वो मैं आपको बता दूं, तो वो बुक है ज्ञान सीरीज है, एक ज्ञानचंद यादव राइटर है, उनकी एक बुक है ज्ञान विज्ञान नाम से, शायद ज्ञान पब्लिकेशन भी का भी नाम ज्ञान पब्लिकेशन है, तो उस पब्लिकेशन की ज्ञान विज्ञान एक बुक है जो 2019 वाला जो उसका मॉडल है आपको वो परचेज करना है। 2022 में भी उसका एक नया मॉडल आया, लेकिन 2022 का जो नया मॉडल है उसमें एक दिक्कत यह है कि काफी सारी चीजों को कम कर दिया गया, जबकि 2019 वाले में बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल था, सारा भले आपने पढ़ो लेकिन अच्छा है अगर आपके पास पूरा कंटेंट रहता है, और डाउट जब आता है ना तो वो क्लियर करने के लिए वो बुक आपकी हेल्प कर सकती है। जनरल साइंस में एक तो ये हो गया, आपको मैंने बताया कि बुक ज्ञान विज्ञान बुक हो गई, अब जनरल साइंस में कंप्यूटर भी थोड़ा सा ऐड हो गया है, तो कंप्यूटर की भी तैयारी थोड़ी बहुत आपको कर लेनी है। ठीक है, कंप्यूटर की तैयारी कहां से करोगे, आप या तो इंटरनेट से कोई भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, या फिर ये जो ज्ञान विज्ञान बुक है इसमें भी एक चैप्टर कंप्यूटर का भी दिया हुआ है, उसको भी आप अच्छे से कर सकते हो। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत इजी भी होते हैं, लेकिन जब आप इसकी तैयारी कैसे करोगे वो मैं आपको अभी, अब एकदम कंप्यूटर पे बात आ गई तो ये मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। देखो एक तो कोई भी बुक से आप कंप्यूटर को पढ़ो, अच्छी बात है। उसके बाद कंप्यूटर की तैयारी का बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो ये है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट लगा लो कंप्यूटर के। कहाँ से लगाओगे, मैंने तो हर चीज के लिए टेक्स्ट बुक ही लिया था, तो आप टेक्स्ट बुक में सेक्शन वाइज कंप्यूटर के क्वेश्चन लगा लो, सारे क्वेश्चन लगा लोगे तो कंप्यूटर पे आपको बहुत समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर छोटी सी कोई बुकलेट कंप्यूटर के ले आओ और उसको भी लेके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक कंप्यूटर का भी आपको बता दिया, क्योंकि मैं बाद में अगर भूल जाता कंप्यूटर के बारे में तो फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता। ऑलरेडी मैं रात में एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन उसमें मैंने आपको एक बेसिक चीज बताना भूल गया था कि जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट है, ये 3 सब्जेक्ट नहीं 4 सब्जेक्ट है, ये बताना भूल गया था, इसलिए अभी ये फिर से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। उसके बाद देखो प्रैक्टिस के लिए
फिर आप क्या प्रैक्टिस के लिए, इसके बाद बताता हूँ, स्टडी के बारे में बता रहा था। तो बुक आपकी हो गई कि आपको बुक कैसे करना है। दूसरा, यूट्यूब पे अगर आप पढ़ना चाहते हो तो किसी भी टीचर को, मैं टीचर का पर्टिकुलर नाम इसीलिए नहीं लेता क्योंकि कोई को कोई टीचर पसंद हो सकता है, किसी को कुछ का समझ में आ सकता है। तो आप क्या करो कि थोड़ा दो तीन दिन अगर यूट्यूब सर्च करोगे ना कि प्लेलिस्ट फॉर साइंस ये वो, तो आपको एक दो लेक्चर किसी टीचर के देख के समझ में आ जाएगा कि आपको इनको फॉलो करना है, उनका चैनल खोल के आप कंटेंट भी देख सकते हो। आपको क्या करना है, उनका वीडियो देखना है, उसके तुरंत बाद सेम टॉपिक को बुक में पढ़ना ही है, क्योंकि कोई भी वीडियो कंप्लीट वीडियो नहीं हो सकता। अगर बात करें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, कुछ ना कुछ मिस कई बार हो जाता है, तो उसको अगर एक बार आप वहां पे पढ़ लो, उसके बाद एक बार उसको टॉपिक को बुक में पढ़ लो, तो आपका वो सब्जेक्ट की थ्योरी जो है वो आपके दिमाग में तैयार हो जाती है। उसकी जो आपको एप्लीकेशन करनी है, जो रियल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, वो करने हैं मॉक टेस्ट के रूप में। टेस्ट बुक पे आपको प्रीवियस ईयर के भी मॉक्स मिल जाते हैं, आपको जो मॉडल टेस्ट है वो भी मिल जाते हैं, सेक्शन वाइज भी मिल जाते हैं, टॉपिक वाइज भी आपको टेस्ट मिल जाते हैं, तो वो तो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप टेस्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आपको ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएगी, तो प्रैक्टिस करने के बारे में टेंशन आपका यहाँ पर एक कम हो जाएगा। और एक बात, जो प्रीवियस ईयर की आंसर की है वो आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में होनी ही चाहिए। मोबाइल में आप कितना भी घुस लो, लेकिन जब आप पीडीएफ में लेकर के सॉल्व करोगे तो ज्यादा आपको मदद होने वाली है। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको डाउनलोड कर लें, जिस भी एग्जाम के आप कर रहे हो अभी, जो भी एग्जाम होने वाली, इनकी प्रीवियस एग्जाम के पेपर जो है वो ऑलरेडी आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप में कई जगह मिल जाएंगे, जो यूट्यूब पे जो कई दिनों से रेलवे के लिए कंटेंट बना रहे हैं उनके पास भी इसका कंपाइलेशन है, उनके टेलीग्राम चैनल पे देखोगे आप तो भी आपको सारी आंसर की मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगा वो आंसर की। इसको अगर प्रिंट कर लोगे, और सही में बता रहा हूं आपको, इससे ज्यादा क्लैरिटी कोई दुनिया में किसी और तरीके से नहीं मिल सकती, जो आपको प्रीवियस ईयर पेपर के एक एक क्वेश्चन को देख करके मिलने वाली है। आपका थॉट प्रोसेस ही बदल जाएगा क्वेश्चंस को, सब्जेक्ट को और प्रिपरेशन को देखने का। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रिंट आउट लेकर के हाथ में आप अगर एक एक क्वेश्चन को टिक करके अगर पढ़ते हो ना अच्छे से, तो आपको समझ में आएगा कि यार इतना भी कठिन या इतना भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये चीज नहीं है, इसको क्लैरिटी दिमाग में आ जाती है। और एक बार अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लोगे पेपर, अगर 10-15 पेपर आपने लगा लिए, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस लेंथ तक, कितनी डेप्थ तक आपको आने वाला है, आप किस टॉपिक में फंसते हो और आपने जो पढ़ा था वो कितना दिमाग में आपके रिटेन किया हुआ है। तो ये सारी चीज आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैंने बता दिया कि प्रीवियस ईयर पेपर लेना है और टेस्ट बुक पे मॉक्स लगा सकते हो। मैं टेस्ट बुक इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने यूज किया है। आते तो कई प्रकार के अलग अलग है, मैंने हार्ड वाले भी टेस्ट जो आते हैं वो भी लिए थे, ऑलिव बोर्ड और वो सब भी लिए बहुत सारे थे, लेकिन मैंने अल्टीमेटली जो कंफर्टेबल मुझे बाद में समझ में आया कि वो टेस्ट बुक ही था, और मेरे को रिजल्ट भी तो अच्छा ही मिला उसका, तो मैं अपनी तरफ से तो आपको टेस्ट बुक ही रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो ये थी आपकी जनरल साइंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन के बारे में जो मैं आपकी हेल्प कर सकता था वो। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करोगे कि पहले वीडियो देख लो या आपकी कोई नोट्स है उसको पढ़ लो, बुक में सेम टॉपिक को पढ़ लो, और फिर उसके क्वेश्चन आप या तो प्रीवियस ईयर पेपर में लगा लो या फिर टेस्ट बुक पे मॉक लगा लो, इसके बाद जनरल साइंस में आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जब भी आप जनरल साइंस को पढ़ो तो इस तरीके से पढ़ो कि पर्टिकुलर किसी एग्जाम को टारगेट करके मत पढ़ो, बल्कि सब्जेक्ट को टारगेट करके पढ़ो, क्योंकि इसके बाद देखो एक एग्जाम आप दोगे उसके बाद आप बहुत सारी आगे भी एग्जाम होने वाली है, ये पहली वाली एग्जाम की प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप दूसरी 10 एग्जाम भी दे दोगे, तो सारी एग्जाम में आपको अलग अलग बार बार साइंस को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से उसको तैयार करो ताकि आप जितनी भी एग्जाम देने वाले फ्यूचर में सारी की सारी में आपका ये सब्जेक्ट अच्छे से तैयार रहे। मैं कहूंगा जो भी सब्जेक्ट तैयार करते हो उसको सब्जेक्ट के रूप में तैयार करो, एकदम एग्जाम को टारगेट करके कब करो, जब आप एकदम स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हो, सिर्फ एक एग्जाम दे रहे हो, उसका सिलेबस अगर एकदम अलग है तो आप उस एग्जाम को पर्टिकुलर टारगेट करो। लेकिन जब मैं रेलवे की जब कॉमन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, सारी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और उसमें भी अगर मैं जनरल साइंस की बात कर रहा हूँ, तो सारी एग्जाम का जनरल साइंस जो है वो एकदम कॉमन है, क्वेश्चन का लेवल भी कॉमन है, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कॉमन है, टॉपिक भी कॉमन है, सिलेबस भी कॉमन है। तो जनरल साइंस को इस तरीके से तैयार करो कि आगे जो एग्जाम आप देने वाले हो सारी एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। और जितने फॉर्म अप्लाई करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर सीरियस तैयारी करोगे तो एक में नहीं होगा सिलेक्शन, दो में नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में पता चलेगा आपको कि एक साथ 3-4 एग्जाम में आपका सिलेक्शन होने वाला है। एक्चुअली चीजें इसी तरीके से होती है, आप शुरू में बहुत सारे एग्जाम में नहीं होता और बाद में बहुत सारे एग्जाम में सिलेक्शन होता है। तो बढ़िया से तैयारी करो, जो भी हेल्प आपको मेरी तरफ से लगती है आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बढ़िया से तैयारी करो, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।